आप सभी का शिखर अकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और आज इसी क्रम में आप लोग देखेंगे जीएस क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं और ये जीएस के जो है आज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन का पहला पार्ट होगा और आप लोग दे है कोशिश ये करें कि आप लोग जो है इसका 20 क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ उन क्वेश्चनों को एक एक करके जो है आप लोग जो है अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसमें सही बन रहे हैं ये आने वाले जो है आपका ऐसा एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे या कोई अन्य एग्जाम भी हो सकता है उसके बीच में कोई अन्य एग्जाम आता है तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला रहेगी और इसी क्रम में देखते हैं आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हमारे पास कि कि न, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है पहला देखना आप लोगों ने निम्न में से सुमिलित नहीं है जिसमें से पहला है तुम्हारा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है कि किस राज्य में जो है तुम्हारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है पहला है इसमें से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में दूसरा है आपका राजाजी आ, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वह है उत्तराखंड ऑप्शन नंबर सी है आपका जो है सिमलीपॉल ओडिशा और ऑप्शन नंबर डी है आपका पिन वैली जम्मू कश्मीर तो आप लोगों ने बताना है इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है तो आप लोग देखिएगा और आप लोग यहाँ पर तब तक जो है अपनी वीडियो पॉज करके आप लोग जो है करेक्ट आंसर को करिएगा और इसमें से आप लोग देखेंगे कि सारे इसमें से पहला भी मैच है कर्नाटक है ठीक राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड बिल्कुल ये भी सही है सिमलीपोल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उड़ीसा में सही है पर लेकिन इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी पिन वैली ये किधर है तुम्हारा ये जम्मू कश्मीर ना होकर के ये आपका हिमाचल प्रदेश है ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश है ठीक है हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है आप लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारे पास आप लोग थोड़ा सा इसको देखना अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं यानी कि आप लोगों को यह बताना है कि कौन ऐसे कौन से तुम्हारे जो है प्रदूषक हैं जो तुम्हारे इस्पात उद्योग से होते हैं वो तुम्हारे इस्पात उद्योग से मुक्त किए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ए है आपका सल्फर के ऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से सभी तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इस क्वेश्चन को सही करने का कोशिश करेगा आप लोग देखेंगे कि इसमें इस क्या पूछा गया है तो आप लोग लगाएगा आपने आंसर देखेगा कौन सा आंसर लगाया है आप लोगों ने तो देखेंगे इसका आंसर जो बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर है आप लोग क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे भाई ठीक है फिर इसी क्रम में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास आप लोग देखना अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास क्वेश्चन 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 नंबर 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 जो पूछा गया है हमारे है, है हमारे हमारे पास पास को आप लोग देखना कि निम्न में से कौन सा जैव अवघटनीय प्रदूषक है जिसे जैव अवघटनीय प्रदूषक का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोडिग्रेडेबल अर्थात निम्न में से कौन सा जो है जैव अवघटनीय प्रदूषक है पहला है इसमें सीवेज और ऑप्शन नंबर बी इसमें है एचबेटस ऑप्शन नंबर सी है इसका जो है प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर डी है आपका पॉलिथिन अर्थात पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी बन जाता है कि किसे हम जो है जैव अवघटनीय कहते हैं जैव अवघटनीय का मतलब वो हो जाता है जो सूक्ष्म बैक्टीरिया के द्वारा जिसे नष्ट कर दिया जाएगा तो उसे क, उसे कहते हैं हम जैव अपघटनीय ठीक है और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैव अनअपघटनीय हम जिसे कहेंगे जो सूक्ष्म बैक्टीरिया के द्वारा जिसको जो है समाप्त नहीं किया जाता है उसे कहेंगे जैव अनअपघटनीय कहेंगे पर लेकिन हमारे पास पूछा गया है आप क्या कि जैव अपघटनीय यानी कि बायोडिग्रेन

आएगा इसके बाद आप लोग देखना क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर को देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में तो से एक है आप लोग देखना इसको क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से शीघ्रता होना चाहिए था इसको शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें जो है पेन करके लिखा है इसको है ऑप्शन नंबर ए है, है, है इसका पेन ऑप्शन नंबर बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है आपका ओजोन तो आप लोगों ने इसमें से देखना है कौन सा सही आंसर है आप लोग देखिएगा कि कौन सा सही आंसर आ रहा है इसमें से तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी से घुल जाता है और ये क्या करता है हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी घुल घुल जाएगा तो ये क्या हो जाता है तुम्हारे श्वसन की दर यानी इसे श्वसन की दर को क्या करता है बढ़ा देता है और इसे श्वसन की दर बढ़ाने के साथ साथ इसे हम कहते हैं दूसरा नाम भी इसको जाना जाता है इसे दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है अर्थात अगर आप इस अगर इसमें क्या बोला जाता है इसको दम घोटू गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट right आंसर है और ऑप्शन नंबर सी मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें क्या होता है ये ऑक्सीजन के साथ सबसे इजीली क्या होता है है मिक्स हो जाता है, और श्वसन की दर को क्या करता है कम कर देता है और इसीलिए इसको इसको हम क्या बोलते हैं दम गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है फिर ठीक है इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पांचवा है हमारे पास आप लोग पांचवा क्वेश्चन को देखिएगा क्वेश्चन नंबर पांचवा है, क्वह है, क्वह है, क्वह है क्वह क्वेश्चन नंबर है आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर पांचवा हाँ इसमें पांचवा में पूछा गया है कि पारे में पारे में आ, पारे में नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं यानी कि अर्थात आ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है सही से नहीं पूछा गया है खैर आप लोग थोड़ा सा इसमें देखिए इसमें यह पूछा जाना चाहिए था कि पारे पारा तथा नाइट्रेट से संदूषित जल अर्थात पारे तथा ये आना चाहिए था आपका पारे तथा पारे तथा नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्न में से कौन सा रोग हो, होते हैं ठीक है पहला ऑप्शन है इसमें मिनिमाता रोग तथा ऑस्ट्रोपायरिस ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑस्ट्रोपायरिस तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑप्शन नंबर सी आपका मिनी माता रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑस्टियोपायरिसिस तथा मिनीमाता रोग तो आप लोग देखना इसमें से पारे की कमी से कौन सा रोग होता है इसमें से ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे पारे की कमी से होता है मिनीमाता रोग पारे की कमी से हो जाता है आपका मिनीमाता रोग और जो नाइट्रेट की कमी होता है वो होता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम अर्थात इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा ध्यान रखना कि पारे की कमी से कौन सा रोग होता है मिनीमाता रोग होता है और आपका जो है नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है ठीक है फिर चले इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर छठवा हमारे पास क्वेश्चन नंबर छठवा आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर छठवा निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है यानी आप लोग थोड़ा सा देखना कि वायु प्रदूषक जो होते हैं वायु प्रदूषक जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं एक तो जो है प्राथमिक प्रदूषक आ जाता है प्राथमिक प्रदूषक आता है और एक आता है आपका द्वितीयक प्रदूषक एक आता है आपका द्वितीयक प्रदूषक एक आता है आपका द्वितीयक प्रदूषक अर्थात प्राथमिक प्रदूषक हम किसे कहते हैं जो जिस रूप में जो उत्पन्न होते हैं उसी रूप को उसी रूप में क्या करते हैं प्रदूषण को फैलाने का काम करते हैं अर्थात जिस रूप में उत्पन्न होंगे उसी रूप में वो क्या करेंगे प्रदूषण को फैलाने का, का काम करते हैं और जब ये द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं ये प्राथमिक प्रदूषक के साथ क्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो जो तुम्हारा प्राथमिक प्रदूषक के साथ अंत क्रिया के द्वारा बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जाना जाता है तो आप लोग देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए पूछा आपका जो है स्मॉग ऑप्शन नंबर बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी है आपका आ, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन नंबर सी आप डी आपका फ्राइज तो आपको बताना है द्वितीयक प्रदूषक तो इसमें से सही आंसर जो बैठेगा वो है आपका स्मॉग ए है ए इज ए राइट आंसर आपका जो है स्मॉग है स्मॉग जो है आपका जो है

अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सात आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर सात कि क्वेश्चन नंबर सात है हमारे पास जैव जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है पहला है इसका। रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए ऑप्शन नंबर बी है आपका जो है वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों की अभिकलन के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषक के आमापन के लिए और डी है इसमें उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए तो आप लोगों को इसका सही बताना है थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि जो हमारा जल प्रदूषण होता है यानी कि जो हमारा जल प्रदूषण होता है जल प्रदूषण को मापने के लिए हमारे पास दो इकाई होती हैं। एक आता है आपका बी जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो ये है आपका कि हिंदी में कहेंगे इसके जैव ऑक्सीजन मांग और ये तुम्हारा दूसरा आ जाता है आपका सी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि आप बीओडी की बात करेंगे तो ये यह यहां पे बीओडी की बात कर रहा है आप लोग देखेंगे वो जैव ऑक्सीजन मांग यानी बी की बात कर रहा है तो इसका जो है जलीय इसका जो है ऑप्शन नंबर सही होगा जलीय तंत्र में प्रदूषण के आम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है अगर अगर बीओडी भी आपके पास पूछा जाएगा यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी हिंदी में कहेंगे उसे जैव ऑक्सीजन मांग ये भी आपका जो है जल प्रदूषण से संबंधित है अगर सी ओडी पूछा जाएगा यानी तुम्हारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी रासायनिक रासायनिक जैव

क्वेश्चन नंबर है हमारे पास निम्नलिखित में निम्ले से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है वो आपको बताना है कि पॉल्यूशन को कौन इसमें कौन सा पौधा इसमें पॉल्यूशन को बताता है आप लोगों को ध्यान होगा पहला है आपका सेवाल ऑप्शन नंबर बी है आपका कवक ऑप्शन नंबर सी आपका जो है लाइकेन ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी आपका फर्न तो आप लोग बताइएगा और देखते हैं आपको जो है कितने क्वेश्चन सही होंगे आप लोग जरूर बताना लास्ट में कितने सही होते हैं तो इसमें देखना ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर सी सी इज राइट आंसर जो जो है like जो है लाइकेन तुम्हारा वायु प्रदूषक का संकेत है अर्थात जहां वायु एयर पॉल्यूशन अगर अगर ज्यादा होगा वायु प्रदूषक ज्यादा होता है तो वहां जो है लाइकेन like जो है उस क्षेत्र में उपस्थित नहीं होता है इस बात को आप लोगों ने ध्यान देना है ठीक है क्वेश्चन नंबर आठवां हो गया इसी क्रम में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नोवा क्वेश्चन नंबर नोवा आप लोग लगाते रहिए इन क्वेश्चनों को क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नौवा है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं यानी किस क्षेत्र में जो है इसको प्रदान किया जाता है आप लोगों ने इसमें देखना है कि किस क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए पर्यावरण प्रतीक्षा के लिए प्रतिरक्षा के लिए और मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए तो आप लोगों को सही बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा तो आप लोगों ने सही लगा लिया होगा इसी क्रम में तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दसवा क्वेश्चन है इसके पास हमारे पास दसवा क्वेश्चन देखते हैं दसवा क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है आप लोगों को बताना है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन करता है 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 इसमें से पहला आपका जो डीजल ऑप्शन नंबर बी है आपका कोयला ऑप्शन नंबर सी आपका जो है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है आपका, आपका, आपका मिट्टी का तेल तो आप लोगों को बताना है कौन सा करता है इस क्षेत्रों में आप लोग देखना है तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर बनेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण को करता है बाकी ये सारी चीजें जो तुम्हारा कोयला हो गया और तुम्हारा डीजल हो गया मिट्टी का तेल हो गया ये सारी चीज़ें क्या करते हैं अधिकतम क्या करते हैं पर्यावरण प्रदूषण का काम करते हैं ठीक है चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में हमारा पास अगला क्वेश्चन है हाँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये सूचना है कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि जैसे कि शिखर अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग देख रहे होंगे कि न्यू फाउंडेशन बैच अभी स्टार्ट हुआ है और आप लोग देखिएगा इसकी जो है बाईस जुलाई से स्टार्ट हो गया है और टाइमिंग है इसकी ग्यारह बजे से दो बजे तक है और देख ही रहे होंगे इसका मोटो खुद ही लिखा है कि क्या जीरो टू हीरो लिखा हुआ है इसका मोटो तो यानी आप लोगों को बेसिक से बेसिक से बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएगी और आप लोगों को इस तरीके से इसमें बेहतरीन जीएस का उत्तराखंड का और आप लोगों को हिंदी को जो है तीनों सब्जेक्ट जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे तो आप लोग देखिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको बाईस तारीख से ये बैच शुरू हो हो गया है और ग्यारह बजे से आपके दो बजे तक ये बैच चलेगा ठीक है तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं क्रम में हमारे पास हाँ एक और जानकारी थी आप लोगों के लिए आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड एसआई जो है एसआई आई के लिए एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है आप प्रैक्टिस सेट को देख ले, देख सकते हैं और डेमो क्लासेस उसकी जो है यूट्यूब पे दो रखी गई हैं दो डेमो क्लासेस यूट्यूब पे हैं आप वहाँ भी देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चनों का जो है उसमें स्टैंडर्ड रखा गया है और आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं पंद्रह जुलाई से ये पंद्रह जुलाई से आप ये स्टार्ट हो चुका है और आप इसको जो है पेपर को जो है आपको पी डी फॉर्म में भी मिलेगा और विद आपको जो है वीडियो सॉल्यूशन उसका मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं और दो डेमो क्लास यूट्यूब पर हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं उस आधार पर ठीक है फिर इसी क्रम में हम देखते हैं हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आएगा ग्यारवा क्वेश्चन है हमारे पास ग्यारवा क्वेश्चन है हमारे पास ग्यारवा क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है तो आप लोगों ने देखना है सबसे ज्यादा जो है संभावनाएं है, किस क्षेत्र की हैं कौन सा है आप लोगों को इसमें से देखना है और इसमें से पहला है आपका जो है सौर शक्ति ऑप्शन नंबर बी आपका है आपका लघु जल विद्युत शक्ति ऑप्शन नंबर सी आपका जैव पूंज शक्ति और ऑप्शन नंबर डी है आपका अवशिष्ट से अर्जित शक्ति तो आप लोगों ने इसमें से करेक्ट आंसर करना है और शायद आप लोगों ने कर लिया होगा और इसमें से सही आंसर है आपका सौर

बारह क्वेश्चन है पास। आप बारों को कि सौर विकिरण की सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज में है आप देखते देख सकते हैं उसमें कि पूछा गया है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज में है आप लोग देख सकते हैं पहला क्या लिखा गया कार्बन चक्र में ऑप्शन नंबर बी है आपका हाइड्रोजन चक्र में ऑप्शन नंबर सी आपका जल चक्र में और ऑप्शन नंबर डी है आपका नाइट्रोजन चक्र में तो आप लोगों को इसको जो है सही आंसर लगाना है भाई क्या होगा सही आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा तो आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर सी यानी जल चक्र में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी सौर सौर्वीकरण की यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टीन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमारे पास कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है आपको यह बताना है कि वर्षा की मात्रा निम्न में से किस चीज पर जो है निर्भर करती है पहला है हवा, हवा के दबाव पर दबाव होना चाहिए था इसको हवा के दबाव पर दूसरा है आपका वायुमंडल में नमी की मात्रा पर ऑप्शन नंबर सी आपका जलचक्र पर ऑप्शन नंबर डी है आपका तापक्रम पर तो आप लोगों को देखना है इसमें से कौन सा सही होगा तो आप लोग इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वायुमंडल में नमी की अर्थात ह्यूमिडिटी जितना एयर में ह्यूमिडिटी होगी उसी आधार पर जो है किस चीज का मूल्यांकन किया जाता है आपका वर्षा की मात्रा का मूल्यांकन किया जाता है ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल की नमी पर अर्थात ह्यूमिडिटी पर यह डिपेंड करता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है हमारे पास इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा तब तक ठीक है आप आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए ऑप्शन पहला लिखा गया उसमें प्रकाश प्रकाश संश्लेषण ये दूसरा लिखा है उसमें श्वसन तीसरा लिखा गया है इसमें जैव पदार्थों का अपक्षय और चौथा लिखा गया इसमें ज्वालामुखी क्रियाएं तो इसमें क्वेश्चन लिखा गया है उपयुक्त में कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें जो है कौन इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा ये इसमें पूछा जाना है पूछा गया है और इसमें से ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर एक में है पूछा गया एक और चार ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया है दो और तीन ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया आपका जो है दो तीन चार और ऑप्शन नंबर डी में पूछा गया है एक दो तीन चार तो आप लोग बताइए इसका जो है सही आंसर क्या होगा तो आप लोग देखेंगे आप लोगों को एक चीज सही पता चल रहा होगा एलिमिनेशन मेथड आप लोग यहां पे लगाएंगे अगर आप लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी कि ऑप्शन नंबर एक ये क्या हो गया गलत हो गया यानी आप लोग इसमें देखना ऑप्शन नंबर एक इसमें जो है गलत हो गया अर्थात आप लोग इसमें देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है बल्कि उस समय उसमें क्या होता है कि सियोर टू की मात्रा की जरूरत होती है किस चीज़ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है इसीलिए ये ये आपका क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा तो इस आधार पर इसमें पहला और चौथा इसमें ऑप्शन नंबर डी और एक नहीं हो सकता इसमें आप लोग इसमें फिर देखेंगे कि यानी कि जय पदार्थों की इसमें जय पदार्थों की मात्रा का अपक्षय है यह भी जोड़ता है ज्वालामुखी क्रिया भी इसमें जोड़ती है और श्वसन के द्वारा भी जोड़ता है अर्थात इसका जो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आप श्वसन की क्रिया के दौरान आप लोग देखते होंगे कि जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं बाहर छोड़ते हैं ठीक है तो इसलिए तो आपका जो है दो भी सही हो जाएगा जय पदार्थों का ये भी सही हो जाएगा और ये तुम्हारा ज्वालामुखी क्रिया में आपको पता ही होगा कि उसमें जो है सीओ निकलती है और इसलिए जो है उसका आंसर हो जाएगा दो तीन चार ठीक है इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर आप लोग इसको जो है तब तक पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर है कि, कि धारणीय विकास इंग्लिश में कहते हैं इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है इसमें ऑप्शन नंबर ए लिखा गया इसमें प्राकृतिक संसाधन ऑप्शन नंबर बी लिखा गया इसमें भौतिक संसाधन ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है इसमें औद्योगिक संसाधन ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है इसमें सामाजिक सामाजिक संसाधन तो आप लोगों को देखना है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा तो आप लोग इसमें से जो है यानी धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये बात कर रहा है तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये बात कर रहा है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो आप लोग इस देखेगा ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है करेक्ट बन जाता है ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है करेक्ट आंसर है ठीक है और थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा ये सबसे पहले कब इसका जो है ब्रेटलैंड आयोग के द्वारा किया गया था ठीक है ब्रेटलैंड आयोग के द्वारा इसको सबसे पहले इसका जो है इसके बारे में बात की गई और ये ब्रेटलैंड आयोग इसको भी याद रखना ये तुम्हारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है और कब की गई कि नाइनटीन एटीन सेवन नाइनटीन एटी सेवन में की गई इस बात को भी याद रखना नाइनटीन ये तुम्हारा कब की गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहली बात कब आई किसने करी ब्रेटलैंड आयोग ने करी कब की गई नाइनटीन में की गई ठीक है तो इस बात को भी ध्यान रखना है और ये तुम्हारा किस चीज से संबंधित है ये तुम्हारा प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है अर्थात जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों संसाधनों का विका, प्रा, का विकास जो है उपयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन्हें क्या किया जाएगा संरक्षित करना है ठीक है अगला इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास सोलवा क्वेश्चन है सोलवा क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 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 आप आप लोग लोग तब तक इसको पढ़िए है, है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है अन्य किस नाम से जाना जाता है आप लोग पहला ऑप्शन है इसमें छाता विधान ऑप्शन नंबर बी है इसमें छड़ी छड़ी मुबारक ऑप्शन नंबर सी है इसका पर्यावरण विधान और ऑप्शन नंबर डी लिखा गया इसमें इको संरक्षा अधिनियम इसे हम कहते हैं इस बात को ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना था वो 1986 में इसको बना था 1986 में ये बना था और इसको जो है छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से इसको जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए इज ये राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है और ये कब हुआ था इन्वयरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है ये कब हुआ था तुम्हारा नाइनटीन में हुआ था और ये तुम्हारा किस चीज यानी इसको और क्या बोलते हैं छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्ट के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है इसी क्रम में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। सेवनटीन क्वेश्चन है हमारे पास सेवनटीन क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की ये बात कर रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया है कब स्थापित किया गया है जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है आपका दो ऑप्शन नंबर बी आपका दो ऑप्शन नंबर सी आपका दो दस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका दो तो आप लोग इसको जो है सही आंसर करिएगा तब तक तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2010 ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर है और एनजीटी की स्थापना ध्यान रखना ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब किया गया 2010 में किया गया और ये क्या करता है तुम्हारा एनजीटी करता क्या है पर्यावरण से संबंधित मुद्दों का निपटारा पर्यावरण पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे रहते हैं संबंधित जो समस्याएं रहती है या जो मुद्दे रहते हैं उनको उनका क्या करता है मुद्दों का समाधान करता है समाधान करता है और कितने समय में करता है इस बात को भी ध्यान रखना यह करता है तुम्हारा छह महीने के भीतर भीतर जो है इस तरीके के केसों को क्या करता है छह महीने के भीतर भीतर इस तरीके के केसों को क्या करता है सॉल्व करने की कोशिश करता है भाई ठीक है इस बात को ध्यान रखना है और अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास एटीनथ क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन तब तक क्वेश्चन हमारे पास निम्न में से कौन सा एक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है आपका मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र ऑप्शन नंबर बी है आपका घास के मैदान ऑप्शन नंबर सी आपका जो है पर्वतीय क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी है आपका सामुद्रिक यानी कि जो है सबसे ज्यादा एरिया पर कौन सा फैला हुआ है वो फैला हुआ है आपका जो है आप लोग ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर नंबर डी डी इज राइट आंसर यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा यानी समुद्र जो है जो है सबसे ज्यादा धरातल पर फैले हुए हैं ठीक है ठीक है फिर अगला इसी क्रम में आप जो है हमारे पास अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आ जाता है अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बीस आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर बीस हमारे पास समुद्रिक वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं मुख्य प्राथमिक यानी कि समुद्री वातावरण में प्राथमिक प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं आप लोग पहले ऑप्शन है उसमें जो है फाइटो ऑप्शन नंबर बी है आपका जो है समुद्री अपतृण ऑप्शन नंबर सी है आपका समुद्री आवृत बीजी और ऑप्शन नंबर डी है आपका जलीय ब्रायोफाइटा तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो इसमें जो प्राइमरी आता है इसमें प्राथमिक उत्पादक उद, का जो आता है उसे हम कहते हैं फाइटो प्लैंगटन ये फाइटो प्लेंगटन्स क्या होते हैं समुद्र में इसको जो है ये क्या करते हैं सूर्य की उपस्थिति में यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ठीक है इस बात को ध्यान रखना है इसे हम क्या कहते हैं फाइटो प्लैंगटेंस के नाम से इसे जाना जाता है ठीक है अब इसी क्रम में हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास आप लोग देखना इसको देखना क्वेश्चन है कि दो भी, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है यानी दो भिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं या ऑप्शन नंबर ए है इसका इकोटाइप ऑप्शन नंबर बी है इसका इकेड ऑप्शन नंबर सी है इसका इको स्पियर ऑप्शन नंबर डी है आपका इकोटोन आप लोगों को सही आंसर इसमें लगाना है क्या होगा इसका सही आंसर सही आंसर लगाना है ठीक है तो आप लोगों को इसमें देखना कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा यानी इकोटोन इसका जो है करेक्ट आंसर है यानी कि दो पारिस्थितिक क्षेत्र का जो बीच का जो एरिया रहता है उसे हम क्या कहते हैं इकोटोन कहते हैं यानी ये घास एवं मरुस्थल के बीच हो सकता है इसलिए जलीय बीज का जो है पारिस्थितिक तंत्र होता है इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं इकोटोन कहते हैं तो ध्यान रखना कि दो विभिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रातित क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं इकोटोन कहते हैं और ये इसी क्रम में हमारा बीस क्वेश्चनों का एक ज थी जो अभी आप लोगों ने देखा इन्वायरमेंट और इसी क्रम में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को देखना है कि एस आई बैच वगैरह के लिए आप लोगों ने हमें बोला गया था आप लोगों ने देखना है उसमें ठीक एस आई बैच का था इसमें आपको थोड़ा सा दिया गया है ठीक है एस आई बैच वगैरह के लिए बोला गया था कैर इसमें आप लोग थोड़ा सा देखना इसको ठीक है हाँ आप लोगों के लिए ये बोला गया था आप लोग देखना इसमें इसमें बोला गया है कि शिखर एकेडमी के द्वारा ये आपका क्या है न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है और ये तुम्हारा करनपुर में है इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है करणपुर में है और इसकी जो टाइमिंग है वो आपको जो है 11 बजे से 2 बजे तक का मिलेगा और ये स्टार्ट होगा आपका 22 जुलाई को मंडे को आप लोगों के लिए तीन दिन आप लोग आइए डेमो क्लास देखिएगा अगर आपको डेमो क्लास अगर पसंद आती है तो आप लोग जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग आइएगा मंडे को यानी कि 22 तारीख को आप लोगों को आना है और तीन दिन के आपको लोगों को डेमो क्लास रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों ने देखना है और पसंद आएगा तो आप लोग इस बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और जैसे कि इसका मोटो रखा ही गया है आप लोगों को जीरो टू हीरो के लिए ठीक है और इसी क्रम में हमारा जो है अंत में एक और है इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास कि जो हमारा जो है अभी शिकार अकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग देख ही रहे होंगे कि उत्तराखंड एसआई आई बैच का जो है एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है हमारे यहाँ आप लोग देख सकते हैं और ये तुम्हारा पंद्रह जुलाई से स्टार्ट हो गया है और ये आपका जो है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में ये रहेगा इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है और इसमें पेपर जो है आपको पी फॉर्म में मिलेगा और सोल्यूशन आपको जो है वीडियो की फॉर्म में मिलेगा यानी कि आप जो है लाइव सोल्यूशन देख सकते हैं और पेपर आपको जो है पी के रूप में मिलेगा और आप लोग देखना ये बहुत अच्छे एक प्रैक्टिस बैच बनाया गया है और दो इसकी जो है यूट्यूब पर जो है डेमो क्लास है उस डेमो क्लास को भी आप लोग देख सकते हैं उन डेमो क्लास आपको जो है पसंद आता है तो आप लोग जो है ये बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोगों को इसको ज्वाइन करके इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत बेहतरीन बैच है आप लोग देखिएगा मैथ्स का क्वेश्चन का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड रखा गया रीजनिंग के क्वेश्चन का रखा गया हिंदी के क्वेश्चन का रखा गया और जीएस के क्वेश्चन का रखा गया तो आप लोग देखना एक बार आप लोग देख लेते हैं आप लोगों को पसंद आती है ये चीजें वीडियो वगैरह पसंद आ जाता है तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करिएगा ठीक है थैंक यू सो मच